जी, हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम की जो है वो लास्ट टाइम बात की थी, और उसके बाद हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने ये बात की थी कि मतलब बेसिकली एक वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैटर जो है इसको हमने डिस्कस किया था। एंड हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है बेसिकली दिस वॉज द रीज़न वाई बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है वो मेजर मतलब मेनली क्यों फेल हुई, ड्यू टू हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मतलब बेसिकली इट अप्लाइज टू, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज मेनली टू, बेटा ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ठीक है, अच्छा। तो हाइजनबर्ग प्रिंसिपल हमने कहा था कि ये मेनली मतलब वैसे तो आप इनको मतलब हाइजनबर्ग प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, बट जो इसकी इन एक्चुअल जो इसके जो आप कह लें कि जो सेंस है, जो इन असल में जो हम इसको अप्लाई करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी जिसके लिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन मोमेंटम, इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि चेंज इन प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है पोजिशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। बट ज़्यादा बेहतर जो आप कह लें कि रिलेशन है वो ये फर्स्ट वाला रिलेशन है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है सिंध बोर्ड के अंदर, तो इस वजह से मैंने ये भी जो है वो लिखा हुआ है, बट मोस्टली आपको बुक्स के अंदर ये रिलेशन मिलेगा। और एक्चुअल रिलेशन भी यही है कि जब आप पोजिशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो वो वैल्यू या तो एच अपॉन टू पाई से ग्रेटर देन हो, या फिर एच अपॉन टू पाई के तकरीबन बराबर हो। ठीक है जी, तो ये आपको सिंपल जहन में रखना है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ रही होती है, तो हमने देखा था कि फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स जो है ये प्रोडक्ट जो है वो इससे काफ़ी स्मॉल आएगा। आप ये वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, मैं इसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, ठीक है, बट दिस इज़ ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो हाइजनबर्ग प्रिंसिपल क्या था कि आप यानी कि एट अ गिवन टाइम अनसर्टेनिटी, अगर हम मतलब हमारे पास दो, इसने बेसिकली दो क्वांटिटीज को जो है वो आपस में कोरिलेट किया है, दैट इज पोजिशन एंड मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम हमने कहा था मोमेंटम क्या है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास पर इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है, तो मेनली चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ये चेंज हो रही है। नाउ मोमेंटम अगर मतलब आप अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग प्रिंसिपल इफ वी आर कंप्लीटली सर्टेन अबाउट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप पोजिशन के बारे में कंप्लीटली सर्टेन हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी, या अगर आप मोमेंटम पे सर्टेन हैं तो पोजिशन पे अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी। यानी एट अ गिवन टाइम इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी के ऊपर आप कंप्लीटली सर्टेन हो सकते हैं और दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम्प्लीटली अनसर्टेन होगी। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट भी जो है वो हमने दी थी स्टार्ट में कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली लेना जो है ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और ये किन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट ले ली कि चेंज इन पोजिशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, और चेंज इन पोजिशन टू चेंज इन मोमेंटम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एच। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट ओबे हो रही है तो हम कहेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट पर हाइजनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ भी देख सकते हैं बट मैं वो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस अगर इतना भी कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गया है तो ये काफ़ी है जी। तो ये क्लियर है हाइजनबर्ग प्रिंसिपल, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसको मैंने जस्ट एक बार फिर से रिव्यू कर लिया है। ठीक है जी, सही, तो ये हमने हाइजनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी ये हमने सारी थ्योरीज वगैरह आप कह लें कि जो भी थी वो हमने डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है दैट इज़ एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी सब लेवल्स। ठीक है, यानी अब हम बात स्टार्ट करते हैं।
फिलहाल यानी यहाँ तक हमारा जो एटम के बारे में कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, यानी ये बोहर थ्योरी तक जो है वो आपने पढ़ा। उसके बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने बोहर थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब देन जो नेक्स्ट आपका मॉडल ऑफ एटम है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, हम ये कहते हैं कि मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड अपॉन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैटर एंड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है जी, यानी जो आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है जिसको हम अब पढ़ते हैं, बेसिकली इट इज़ बेस्ड अपॉन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैटर कि इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं दे हैव ड्यूअल नेचर एंड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। नाउ श्रोडिंगर जो है ये बेसिकली जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने बेसिकली वेव इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव की। ठीक है, और उन वेव इक्वेशंस के थ्रू इसने ये फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम पाए जाने के इम्कान किस वक्त में कहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने खैर वो इक्वेशंस तो नहीं पढ़नी, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट मेनली जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। श्रोडिंगर जो है इसने बेसिकली, यानी हम चलें इसको हम डायरेक्ट जो है वही बात कर लेते हैं कि बोहर ने एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट तो दे दिया। ठीक है, बोहर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स, इसने एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट तो दिया, यानी हमारे पास एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट तो पहले से था। ठीक है, देन फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम को देखते हुए और वेव मैकेनिकल मॉडल को देखते हुए देन फिर कॉन्सेप्ट सामने आया सब एनर्जी लेवल्स का। ठीक है जी, कि सब एनर्जी लेवल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एक एनर्जी लेवल के अंदर भी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। देन फिर सब एनर्जी लेवल से नीचे कॉन्सेप्ट आफ्टर द आप कह लें कि इन्वेंशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय श्रोडिंगर, तो सब एनर्जी लेवल्स के बाद नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो बेसिकली अब ऑर्बिटल क्या है, यानी ये अब आपने इनिशियली हमारे पास सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि जी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, बट अब हम ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन के पाथ को फिक्स नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वक्त बस इस पोजीशन के ऊपर घूम रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ये तो कह सकते हैं कि जी मैक्सिमम पाए जाने के इम्कान यहाँ पे हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बस इसी पाथ के ऊपर रिवॉल्व करता रहेगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट इज़ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ दी प्रोबेबिलिटी रीजन वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, व्हाट इज ऑर्बिटल, दी प्रोबेबिलिटी रीजन वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी रीजन वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम होंगे, और ये मैक्सिमम तकरीबन हम कहते हैं कि जी 95% थे। ठीक है, तो द रीजन वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ये कॉन्सेप्ट तो आई होप कि सबके क्लियर होंगे तकरीबन। मैं डायरेक्ट जो है वो इसमें जो बस हम कह लेते हैं कि जो डेटा है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है, जब हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसमें कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं जी, हाउ मेनी सब एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल। वन, ठीक है जी, जो आपका पहला एनर्जी लेवल है इसमें सिर्फ एक सब एनर्जी लेवल है। ठीक है, जिसे आप
एस सब एनर्जी लेवल जो है वो कहते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल जो हम स्टडी करते हैं, वैसे तो इससे भी ज़्यादा है, बट जो आप स्टडी करते हैं टोटल चार सब एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये आपने पढ़े हुए होंगे सबने, तो टोटल चार सब एनर्जी लेवल्स हैं। कौन कौन से सब एनर्जी लेवल्स हैं? एस, पी, डी, एफ। एस रिप्रेजेंट्स, एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल, ठीक है जी। तो ये आपके पास चार सब एनर्जी लेवल्स हैं और इन सब एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड हैं कि एक सब एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एस सब एनर्जी लेवल में, यू ऑल नो कि एस सब एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन आने हैं मैक्सिमम, पी सब एनर्जी लेवल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो सबको मालूम होगा। फिर इसके बाद भी आगे जी एच चलते हैं, बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, टोटल आपके पास ये चार सब शेल्स हैं, ठीक है। और एक एनर्जी लेवल में कितने सब शेल्स होंगे ये सिंपली जो है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है इट हैज ओनली वन सब शेल एंड दैट इज एस सब शेल, ठीक है। फर्स्ट सब शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ एक सब शेल होगा, दैट इज एस सब शेल, ठीक है। देन फिर उसके बाद अगर आप सेकंड एनर्जी लेवल पे आते हैं तो सेकंड एनर्जी लेवल में कितने सब शेल्स आ जाते हैं? हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन सेकंड एनर्जी लेवल? टू, ठीक है। और कौन कौन से हैं? एस, पी, जी। तो जो आपका सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल में दो सब शेल्स हैं, ठीक है। इट हैज़ टू सब शेल्स, दैट इज, यानी सेकंड एनर्जी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड एनर्जी लेवल इट हैज़ टू सब शेल्स, एस एंड पी। आप सिंपल ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है, यानी सेकंड एनर्जी लेवल, दैट मींस कि हम बात कर रहे हैं एन जो है, जो आपका मतलब एन की वैल्यू जो है, शेल की वैल्यू क्या है? टू। तो जो भी शेल की वैल्यू होगी उसमें इतने ही सब शेल्स होंगे। तो अगर एन की वैल्यू टू है तो इसका मतलब दो सब शेल होंगे, ठीक है। और वो कौन से सब शेल्स हैं? एस एंड पी। अगर एन की वैल्यू थ्री है, मतलब आप थर्ड शेल में हैं, तो दैट मीन्स उसमें तीन सब शेल होंगे, एस, पी, डी। अगर एन की वैल्यू फोर है, दैट मीन्स कि आप फोर्थ शेल में हैं, तो सब शेल्स कितने होंगे? फोर, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ एन इज, whatever the value of n is, it will represent the total number of subshells, ठीक है। तो जो भी n की वैल्यू है उससे हमें सब शेल पता लग जाएंगे। तो इफ n इज 2, दैट मीन्स 2 सब शेल्स। इफ n इज 3, दैट मीन्स 3 सब शेल्स, ठीक है जी। तो ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है। तो देन तो मतलब यहां से ये जो मतलब ये जो सब शेल वाला कॉन्सेप्ट था, ये क्या था कि वो जो बोहर ने स्पेक्ट्रल लाइंस स्टडी की थी, एक सिंगल लाइन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हमने लाइन स्पेक्ट्रा जो पढ़ा था, ठीक है। तो बोहर ने जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्टडी की थी, लेट्स से के स्टडीड पे जी, बेसिकली ये स्पेक्ट्रम है कि ये डार्क लाइन है और ये एक सिंगल लाइन मिल रही थी, तो इसने बेसिकली ये एक सिंगल लाइन स्टडी करी। बट बाद में जब इसको जूम इन किया गया तो पता लगा ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस है, एक लाइन नहीं है बल्कि बहुत सारी लाइंस का कॉम्बिनेशन है। एंड दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये सब एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट था कि ये आपका मेन एनर्जी लेवल है, ठीक है, बट इस मेन एनर्जी लेवल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, जिसको आप जो आप कह लें कि डिस्पर्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस डिस्पर्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इट एक्सप्लेन्ड दैट एन एनर्जी लेवल हैज सब एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है, कि एक एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल्स भी जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक सब एनर्जी लेवल्स में कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जो आपका सब एनर्जी लेवल है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जी टोटल फोर सब एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि ये सबको ही क्लियर होगी बात,
तो एस पी डी एफ, क्योंकि हम ये चार सब एनर्जी लेवल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब एस सब एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल कितने हैं, एक ही ऑर्बिटल है ये आपको मालूम है, ठीक है, और ऑर्बिटल्स को भी आप सब एनर्जी लेवल्स की नेमिंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस सब एनर्जी लेवल बेसिकली ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब लेवल्स को, ठीक है। तो एस सब लेवल में एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज एस ऑर्बिटल। पी सब लेवल में कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, पी सब लेवल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, थ्री, ठीक है जी। पी सब लेवल जो है इसमें आपके पास तीन ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। एंड डी सब लेवल में फाइव ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ये ऑड नंबर्स में चलते हैं, एस में वन ऑर्बिटल, पी में थ्री ऑर्बिटल्स, डी में फाइव ऑर्बिटल, डी में फाइव ऑर्बिटल्स एंड एफ में सेवन ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगी बात बेटा, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, किसी को इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है जी। तो ये एनर्जी लेवल्स, देन सब एनर्जी लेवल्स, देन ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये सबको क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक। तो चलें, ये तो बात सब इसका मतलब सबको क्लियर है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट मीन्स कि इसमें आपके पास एक ही सबशेल है, दैट इज एस, और एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है 1s, ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1s से। तो 1s मींस के ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फर्स्ट शेल को, और s रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सब एनर्जी लेवल को, ठीक है। तो 1s, और फिर इसी तरीके से अगर हम सेकंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो सेकंड एनर्जी लेवल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेकंड एनर्जी लेवल जी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकंड एनर्जी लेवल 4, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल है और तीन पी ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स। देन थर्ड एनर्जी लेवल, इसमें कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, जी थर्ड एनर्जी लेवल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी लेवल, 9, ठीक है। आप सिंपली n का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, इसको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल, ये भी ध्यान रख लें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी एनर्जी लेवल में अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ एनर्जी लेवल है, तो फोर्थ एनर्जी लेवल में आपके पास कितने हो जाएंगे, 9 ये, और प्लस 7 जो हैं वो F से आ जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 16, तो 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डबल कर लें तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को अगर हम डबल कर लें, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल जी, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जी बेटा शाबाश जल्दी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल दैट इज 2n स्क्वायर, ठीक है। तो ये n स्क्वायर तो ऑर्बिटल्स का बता रहा है, n स्क्वायर क्या बता रहा है, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो 2n स्क्वायर है इसमें n स्क्वायर ऑर्बिटल्स बता रहा है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं उस शेल में, और अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल थर्ड शेल की बात हो रही है तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 ऑर्बिटल्स हैं, 9 टू ज 18, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं थर्ड शेल में, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मींस एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये तो बातें आप सबको बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है, ये तो सब नई डिटेल में पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज क्वांटम नंबर्स,
ठीक है जी, क्वांटम नंबर्स क्या हैं, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, जी कोई बताएगा व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या हैं? जी बेटा कोई भी बताना चाहे व्हाट इज क्वांटम नंबर, हाँ जी कोई नहीं, अच्छा जी चलिए, क्वांटम नंबर्स जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, क्वांटम नंबर्स आप कह लें कि बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, क्वांटम नंबर्स को अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें, व्हाट इज क्वांटम नंबर, अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि देखें बोहर ने इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया सिर्फ एक क्वांटम नंबर से, दैट वाज एन, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है, इसने शेल से डिस्क्राइब कर दिया कि जी सारे इलेक्ट्रॉन बस शेल में मौजूद हैं, शेल से नीचे वो गया ही नहीं, ठीक है, देन लेटर ऑन हमें ये पता लगा कि शेल के अंदर सब शेल्स हैं, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, तो इफ़ यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब इन इलेक्ट्रॉन, इफ़ यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली पोजिशन एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि जी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन के बारे में मालूम करना है, देन यू मस्ट नो इट्स मेन शेल, यू मस्ट नो इट्स एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, इट्स ऑर्बिटल, ठीक है, और उसके बाद एक चौथी चीज़ आती है जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो मतलब खाली शेल का पता होना इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई, बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूँ क्वांटम नंबर इट इज़ दी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और इट इज़ दी कंप्लीट डेटाबेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो इसकी अक्सर एग्जांपल जो है वो टीचर ऐसे देते हैं कि जैसे कि आप अपना एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर ऐसे ही है जैसे कि हम अपना एड्रेस लिखते हैं, तो जब हम अपना एड्रेस देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब हम अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और जो भी आपका एरिया है उस एरिया का नाम प्लस फिर सिटी का नेम, तो अगर मैं खाली शहर का नाम बता दूं कि जी मैं हैदराबाद में रहता हूं, तो कोई मतलब मेरे कंप्लीट एड्रेस को तो नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो बोहर ने जस्ट एक तरह से यूँ समझ लें कि बोहर जस्ट ओनली गेव दी नेम ऑफ सिटी कि जी इलेक्ट्रॉन इस सिटी में मौजूद है, अब उस सिटी में किस एरिया में किस स्ट्रीट में क्या हाउस नंबर है वो कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स जो हैं ये बेसिकली एक तरह से इट इज़ अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम यूँ भी आसान लफ्ज़ों में अगर इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है, तो क्वांटम नंबर जो है ये आपको स्पेसिफाई करेगा कि अच्छा जी आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी मैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, अब 11 के क्या सारे 11 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी है, बिल्कुल नहीं, तो अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि जी इस एनर्जी लेवल का, इस सबशेल का, इस ऑर्बिटल में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा एक कंप्लीट एड्रेस हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्वांटम नंबर्स क्या है, जी बेटा ये समझ में आई है बात, व्हाट इज क्वांटम नंबर, ठीक है, अब ये बताएं कितने क्वांटम नंबर्स हैं, टोटल क्वांटम नंबर्स कितने हैं, ये एफएससी वालों ने पढ़े होंगे, जी टोटल नंबर ऑफ क्वांटम, टोटल क्वांटम नंबर्स कितने हैं, 4, हाँ जी 4 हैं कि 5 हैं, आर हाँ बिल्कुल सही 4 है, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है जी, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं, यानी जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि जी ये एक तरह से कंप्लीट एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे एटम में मौजूद है,
तो टोटल फोर क्वांटम नंबर्स, टोटल आपके पास चार क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर तो वही है जो बोहर ऑलरेडी जो है वो जिसको एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है, और हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास जो क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन एन कुड बी आइदर वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, एन की वैल्यू जो है ये इस तरह से चलेगी एन, यानी हम ये कह रहे हैं कि एन जो है इट कुड बी आइदर वन, इट कुड बी टू, इट कुड बी थ्री, इट कुड बी फोर, और ये मतलब हम नॉर्मली जाते हैं सेवन तक, बट आप इसको एट भी ले जा, मुझे क्या पता कहाँ जाके एटम खत्म हो रहा है, एटम की तो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज ही नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ें तो एटम हैज़ नो बाउंड्रीज, ठीक है, तो ये कहना कि जी यहाँ पे एटम आके कंप्लीट हो गया दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। हम अपने आसानी के लिए एटॉमिक रेडियस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, हम आगे बात भी करेंगे, बट कहाँ पे शेल जाके ख़त्म हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम। जनरली हम इसको सेवन पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो पीरियड्स हैं हमारे पास पीरियडिक टेबल में वो सात हैं, तो जितने एलिमेंट्स हैं वो सेवन पीरियड्स में एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम नंबर ऑफ शेल सेवन ही रखते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये आपको क्या बताता है, इट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपको डिस्टेंस बता रहा है एंड प्लस इट टेल्स दी एनर्जी, तकरीबन आपको एक एनर्जी का आइडिया हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक मेन एनर्जी लेवल में आ गए तो आपको पता लग गया कि हाँ जी उसमें फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट मेन आपको एनर्जी लेवल जो है वो पता लग जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट टेल्स दी डिस्टेंस और इट गिव्स दी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, प्लस इट गिव्स दी एनर्जी, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं ये आपको पता लग रही होती हैं, और मेरा ख्याल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये एज सच आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी आपको शेल्स के बारे में बता रहा है ना, एनर्जी लेवल के बारे में, तो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस एनर्जी के ऊपर क्या चेंज आएगा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एनर्जी, जी एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एनर्जी, इट विल इंक्रीज, ठीक है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस द एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है, एनर्जी विल इंक्रीज। तो ये सिंपल, तो दिस इज जस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑल्दो हमने कभी इसको नाम नहीं दिया, बट इसको हम स्टार्ट से एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते आ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, रिप्रेजेंटेड बाय एन। देन द सेकंड क्वांटम नंबर, ठीक है, बोहर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक बात की, देन सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, और इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है जी। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एल, इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, इससे आपको क्या पता लगेगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की शेप जो है ये आपको बताएगा। बेसिकली दिस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज जस्ट दैट डिस्पर्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, यानी बोहर तो सिर्फ एक सिंगल लाइन तक ही रहा, बाद में जब हमने उसको स्टडी किया तो पता लगा कि वो एक लाइन नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स है। तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से, कि बेसिकली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये सब एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है।
जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने कहा कि इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इट गिव्स दी शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिटल की शेप, ज़्यादा इसको अगर, यानी ये तो दिस इज जस्ट समथिंग विच इज़ रिटन इन द बुक कि जी आपको ऑर्बिटल की शेप पता लगेगी, बट अगर मैं इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूँ तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इट टेल्स अस अबाउट दी सब एनर्जी लेवल्स, कि कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि इट गिव्स दी नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है जी, कि कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एल की वैल्यू जो है वो आपने कैसे देखनी है, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो हम ये कहते हैं कि इफ एल इज इक्वल्स टू, लेट से हम ये कहते हैं कि इफ 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 एन इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लें कि एल इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। ठीक है, एल की वैल्यू जो है ये हमेशा क्या होगी, एन माइनस वन। तो इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स एल इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। ठीक है, और अगर आपके पास सॉरी एन जीरो नहीं होता, ये मैंने गलत लिख दिया, इफ एन इज इक्वल्स टू वन। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसके लिए कि एल जो है इट कुड बी इट इज एन माइनस वन। तो इफ एन इज इक्वल्स टू वन दैट मीन्स एल क्या हो जाएगा, दैट वुड बी वन माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब एल को हमने कुछ गिवन वैल्यूज दे दिए कि इफ एल इज इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एस सब एनर्जी लेवल, इफ एल इज इक्वल्स टू वन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पी सब एनर्जी लेवल। अगर एल की वैल्यू टू है तो इसका मतलब डी सब एनर्जी लेवल की बात हो रही है, और अगर एल की वैल्यू थ्री है तो दैट मीन्स के एफ सब एनर्जी लेवल की बात हो रही है। फिर इससे आगे भी वैल्यूज हैं बट वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप ये सिंपल जहन में रखें कि एन इज इक्वल्स टू वन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एनर्जी लेवल, एन इज इक्वल्स टू वन मतलब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। अगर एन की वैल्यू वन होगी तो एल की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, मीन्स कि अगर आप फर्स्ट एनर्जी लेवल में हैं तो दैट मीन्स इट हैज ओनली वन सब एनर्जी लेवल एंड दैट इज एस। इफ एन इज इक्वल्स टू टू मीन्स कि आप सेकेंड शेल में हैं तो एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू टू माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब बेसिकली ये जो एल की वैल्यूज हैं ये एन माइनस वन, हम इसको कहते हैं कि जी ये बेसिकली ये जीरो से लेके एन माइनस वन तक होती हैं, यानी आप इसको अगर प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करें दैट इज जीरो टू एन माइनस वन, यानी स्टार्ट होगी जीरो से और कहाँ तक जाएगी, अप टू एन माइनस वन। तो एल की वैल्यू अगर आ रही है वन तो इसका मतलब आपने इसको जीरो से स्टार्ट करना है, कि अगर सेकेंड शेल है तो इसमें सब शेल्स कितने होंगे, जीरो वन। जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सब शेल को। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी सब शेल को। तो मतलब सेकेंड शेल में दो सब शेल्स हैं एस एंड पी। ऐसी अगर एन की वैल्यू है थ्री, इफ एन इज इक्वल्स टू थ्री तो एल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, एन माइनस वन दैट इज थ्री माइनस वन इक्वल्स टू टू। तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो वन टू अप टू टू, तो एस पी डी। तो थर्ड शेल में कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं, तीन, एस पी डी। जी बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये क्लियर हो रही है बात जो सारी बात मैं भी कर रहा हूं जी, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है। ठीक है जी, तो मतलब हम सिंपली यहां पे ये कह रहे हैं कि जो L की वैल्यू है यानी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, पहली चीज तो ध्यान में रखें एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है। ठीक है, इट गिव्स दी शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपको ये पता लग गया कि आप पी सब शेल में हैं तो पी सब शेल के ऑर्बिटल्स की शेप आपको आइडिया हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी शेप्स पढ़ चुके हैं तो आपके जहन में पी सब शेल की, मैं अभी शेप्स की बात नहीं कर रहा बट मुझे आइडिया है कि सबको शेप्स के बारे में मालूम होगा। ठीक है, बट
इन एक्चुअल मैं जो इसकी बात करता हूँ, मतलब ज्यादा बेहतर तरीका इसको एक्सप्लेन करने का ये है कि ये आपको सब एनर्जी लेवल्स के बारे में बता रहा है कि एक मेन एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो वैल्यू ध्यान में रखें कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो अप टू एन माइनस वन, तो मीन्स एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन के ऊपर। जो भी एन की वैल्यू है उसमें से आप वन माइनस कर दें तो मतलब आपके पास वहां तक वैल्यूज होंगी एल की। तो अगर इसी तरीके से मैं कहता हूं कि इफ एन इज इक्वल्स टू फोर, दैट मीन्स एल इज इक्वल्स टू फोर माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वन टू थ्री, तो नाउ वी हैव एस पी डी एफ, तो ये हो गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। ये दो क्वांटम नंबर होगा, यानी आप एक तरह से समझ लें कि आपने सिटी का नाम बताया, यानी जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये एक तरह से सिटी नेम है, ठीक है। ये आपको यहाँ से सिटी नेम पता लग गया कि अच्छा जी हैदराबाद में रहते हैं, ठीक है। आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये आपको एरिया बता रहा है कि कौन सा एरिया हैदराबाद का, लतीफाबाद है, कासमाबाद है, जील पार्क है, किस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अब एरिया में पहुंच के भी आप घर तक तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, अब आपको स्ट्रीट नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो थर्ड क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये बेसिकली आपको क्या बताएगा, इट गिव्स दी डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपको क्या बताएगा, इट गिव्स दी डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, इन when placed in a magnetic field, ठीक है। ये आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे ज़ीमेन इफेक्ट की, ठीक है। तो ज़ीमेन इफेक्ट मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ीमेन इफेक्ट। तो बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट एक्सप्लेन्स दी ज़ीमेन इफेक्ट, आप यूं भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट मैंशनड इन योर बुक, बट बाकी फेडरल बोर्ड वगैरह के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, तो इसलिए आप ये भी ध्यान में रखें कि इट एक्सप्लेन्स दी ज़ीमेन इफेक्ट, जिसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स दी ज़ीमेन इफेक्ट के मैग्नेटिक फील्ड में आके स्पेक्ट्रल लाइन डिस्पर्स क्यों हो जाती हैं, अलग अलग क्यों हो जाती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट के डी जनरेटेड ऑर्बिटल, आगे हम बात करेंगे कि पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तीनों की ओरिएंटेशन सेम है, बट जब आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो तीनों अलग अलग ओरिएंटेड हो जाते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली ज़ीमेन इफेक्ट एंड दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इट गिव्स दी डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एन ऑर्बिटल, के एक ऑर्बिटल की स्पेस में कितनी ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। नाउ हाउ कैन वी फाइंड दी वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज जीरो टू प्लस माइनस एल, ठीक है। एम किसके बराबर है, जीरो टू प्लस माइनस एल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं कि अगर लेट से इफ एल इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एस ऑर्बिटल की बात हो रही, एल इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आपके पास सब एनर्जी लेवल जीरो है तो जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो रिप्रेजेंट्स दी एस सब एनर्जी लेवल, और एस सब एनर्जी लेवल की स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन होंगी, जी बेटा एस सब एनर्जी लेवल की स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन होंगी, एक ही होगी, ठीक है। इसकी स्पेस में सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होगी, और इसको हम यहाँ से फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि इफ एल इज इक्वल्स टू जीरो देन एम इज इक्वल्स टू जीरो टू प्लस माइनस जीरो टू प्लस माइनस एल, तो अगर एल जीरो है तो एम क्या हो जाएगा, एम वुड ऑल्सो भी जीरो, अब जीरो में तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो अगर एल जीरो है तो एम भी जीरो होगा, मीन्स इसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है,
एंड वी नो कि एस की स्पेरिकल शेप होती है तो इसकी और कोई ओरिएंटेशन हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो अगर एल जीरो है दैट मीन्स इट इज एस सबशेल, तो एम जो है वो इसकी ओरिएंटेशन है, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है जी। इसी तरीके से इफ एल इज इक्वल्स टू वन, यानी कि आप बात कर रहे हैं सेकेंड एनर्जी लेवल की, दैट मीन्स पी, तो एम की वैल्यूज क्या होंगी, कोई बताएगा बेटा? What would be the values of M? If L is equals to 0, तो M की values क्या होंगी? 4. Minus 1, 0, plus 1. बिल्कुल correct है. देखें, 0 to plus minus L. तो आपने minus L से start किया. Minus L क्या होगा? Minus 1. क्योंकि 1 है, L की value 1 है. तो minus 1, then 0, then plus 1. तो दीज आर द थ्री ओरिएंटेशंस ऑफ पी सबशेल। एल इज इक्वल्स टू वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को। तो एम इज माइनस वन, जीरो प्लस वन, दैट मीन्स माइनस वन रिप्रेजेंट पी एक्स, जीरो रिप्रेजेंट्स पी वाई एंड प्लस वन रिप्रेजेंट्स पी जेड, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, बट एक इनमें से पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी जेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को पी एक्स कह दें, पी वाई कह दें, पी जेड कर दें, एनर्जी तो तीनों की सेम है, ठीक है। वी ऑल नो दिस थिंग कि एनर्जी तीनों की सेम है, तो किसी को भी पी एक्स बोल दें, पी वाई कह दें, पी जेड कह दें। थिंग इज के तीन ओरिएंटेशंस हैं, तीन ओरिएंटेशंस होंगी, वन ऑफ देम वुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, वन ऑफ देम वुड बी अलोंग वाई एक्सिस एंड वन ऑफ देम वुड बी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। इफ एल इज इक्वल्स टू टू, अगर एल टू है तो दैट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट डी सबशेल, तो एम की वैल्यूज क्या होंगी जी? अब मैं चाहूंगा कि सबके पास से आंसर आ जाए, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ठीक है जी। सबको क्लियर है ये बात कि अगर एल की वैल्यू टू है तो एम की वैल्यूज क्या होंगी? स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस टू अप टू प्लस टू, ठीक है। तो टोटल पांच वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी, पांच वैल्यूज आपने माइनस टू से स्टार्ट किया, माइनस टू, देन माइनस वन, देन जीरो, देन प्लस वन एंड देन प्लस टू, तो ये पांच इसकी ओरिएंटेशंस हो गई, दैट मीन्स के दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पांच डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं किसकी? डी सबशेल की इन स्पेस, ठीक है। तो मतलब डी सबशेल हैज टोटल फाइव ऑर्बिटल्स, एक तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जी। बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन? किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो यहां पे? क्लियर है बात? जी बेटा शायान। सर ये जो ओरिएंटेशन है ये तो हमें पहले से ही बता दिया, हमारा जो मेन कंसर्न था यहाँ पर वो तो ये था इसका एड्रेस ढूंढना ना, मतलब कौन से वो उसमें है ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन, तो वो तो हमें यहाँ पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता लग रहा? अगर आप इसका मतलब, अगर एल की वैल्यू टू है, एल की वैल्यू टू है, इसका मतलब डी सबशेल, अब डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? ये पांच है, पांच ऑर्बिटल है। अब आपको कैसे पता कि पांच में से किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? तो आपको क्या वैल्यू रिक्वायर्ड होगी? एम की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू डी, मतलब एल की वैल्यू अगर टू है, ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, माइनस टू का इलेक्ट्रॉन है, माइनस वन का है, जीरो का है, प्लस वन का है या प्लस, तो मतलब अगर एल की वैल्यू टू है तो हमारे पास पांच डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो हमें फॉर्मूला से मिल ही नहीं रही ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, उसकी वैल्यू तो हमें मिल ही नहीं रही। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि पांच वैल्यूज हो सकती हैं, यानी मैं आपसे ये कहूँ, देखें इसको बेसिकली समझने का तरीका ये, मैं कहता हूँ कि जी एन की वैल्यू है थ्री, मीन्स कौन सा शेल है ये, शेल कौन सा है? थर्ड शेल है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जी, आपने कहा ठीक है जी थर्ड शेल है, अब कौन सा, मतलब थर्ड शेल में तो बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, कौन से एनर्जी लेवल की बात हो रही है? तो मैं कहता हूँ जी एल की वैल्यू है टू, अब आपको क्या पता लगा कि थर्ड शेल का, थर्ड शेल का कौन सा सबशेल है, बताओ ना? सेकंड आ गया ना सर। सेकंड मतलब ये सबशेल कौन सा है? पी। हाँ
पी हुआ, पी हुआ, ठीक है। तो अगर आपके पास थर्ड शेल है, थर्ड शेल में एस भी हो सकता था, थर्ड में पी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, मैंने आपसे कहा जी एल की वैल्यू है टू, तो इससे पता लगा कि हम बात कर रहे हैं डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू जो है वो किसकी वैल्यू है, डी की, तो मतलब हमें पता लगे कि डी सब शेल। अब आपने कहा जी ठीक है थर्ड शेल का डी सब शेल, बट डी सब शेल में तो पांच ऑर्बिटल्स हैं, तो आप कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो देन मैं आपसे कहूंगा जी एम इज इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। माइनस टू जब मैंने आपसे कहा तो अब आप कहेंगे अच्छा जी, तो अब आप इसका मतलब आप बात कर रहे हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की, तो ये माइनस टू की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, ये तो बताई जाएगी ना बेटा आपको। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर एल की वैल्यू टू है तो एम की ये पांच वैल्यूज हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। यानी अगर मैं आपसे कहता कि जी एल की वैल्यू टू है और मैं आपसे कह देता कि एम की वैल्यू है माइनस थ्री, तो आप कहते कि नहीं ये तो एड्रेस ही गलत है। अगर एल की वैल्यू टू है तो इस मतलब इस एरिया में तो टोटल स्ट्रीट्स ही पांच हैं, ये माइनस थ्री वाली तो स्ट्रीट ही नहीं है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि अगर एल की वैल्यू टू है तो एम की टोटल ये पांच वैल्यूज हो सकती हैं, इन पांच के अलावा कुछ नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सर, ठीक है ना। यानी ये एड्रेस एक तरह से हम ये बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता लगेगा कि अगर एल की वैल्यू टू है तो अच्छा अब एम की वैल्यू ये होगी, या तो ये तो आपको बताई जाएगी कि इन पांच, ये आपको पता होना चाहिए कि इन पांच में से कोई एक हो सकती है, ये पांच ऑर्बिटल्स हैं, इनके अलावा मतलब डी सबशेल में इन पांच के अलावा और कोई ऑर्बिटल नहीं होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जी एन की वैल्यू थ्री है इसका मतलब थर्ड शेल, एल की वैल्यू टू है इसका मतलब थर्ड शेल का डी सब शेल, एम की वैल्यू माइनस टू है इसका मतलब थर्ड शेल के डी सब शेल का डी एक्स वाई ऑर्बिटल की बात हो रही है, क्लियर है बात जी, जी। बाकी सबको क्लियर है बेटा ये बात, ये सब सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स डिस्कवर कैसे हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जी, बिल्कुल। ये सारी जितनी भी है, ये जो हम बात करी है हमने वेव मैकेनिकल मॉडल और श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है, तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के थ्रू जो है ये सारी प्रोबेबिलिटी, ये सब प्रोबेबिलिटी रीजंस जो है ये फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। तो वो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि वो सारी उसमें काफ़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो इसलिए उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। जस्ट ये आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, क्लियर हो गई डैनी। अच्छा जी, बाकी सबको इसके अलावा ये यहाँ तक बात क्लियर है, हमने तीन क्वांटम नंबर्स अभी तक डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच गिव्स दी ऑर्बिटल कि कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। अब देखें आप गली तक पहुँच गए हैं, आप स्ट्रीट तक पहुँच गए हैं, ठीक है, बट अब आप यूँ समझ लें कि एक तरह से एक प्लाजा है, ठीक है, चले हम स्ट्रीट नहीं कहते, ठीक है। हमने ये कहा कि जी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था दैट वाज एरिया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये एक तरह से आप कह लें कि ये एक कोई मतलब प्लाजा है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। आप प्लाजा तक पहुंच गए, अब आपको पता लगे कि अच्छा जी इस प्लाजा में रिहाइश है इलेक्ट्रॉन की, ये रेजिडेंस है इलेक्ट्रॉन की। अब हर मतलब आप कह लें कि जब आप फर्स्ट स्टोरी पे जा रहे हैं, देन सेकेंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, तो एक एक करके जब आप ऊपर ब्लॉक में जाएंगे तो हर आप कह लें कि स्टोरी पे दो फ्लैट्स हैं, तो अब उन दो में से किस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन। अब आप ऑर्बिटल तक पहुंच गए, आपको पता लग गया कि जी डी एक्स वाई ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, अब डी एक्स वाई में तो दो इलेक्ट्रॉन है, डी एक्स वाई में दो इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर, आपने कहा कि जी क्या कहते हैं, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, क्या कहते हैं इसको, फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो लेट से कि आपने कहा जी ये इस फ्लोर का इलेक्ट्रॉन है, डी एक्स वाई फ्लोर है, अब इस फ्लोर पे तो दो फ्लैट्स हैं, या आप कह लेंगे इस ऑर्बिटल में तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसके लिए आपके पास फोर्थ क्वांटम नंबर आ जाता है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है जी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन कि कौन से इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली वी से कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे स्पिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। नाउ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई मस्ट से दिस थिंग, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अगर हम इसको डिस्कस करने बैठ जाते हैं तो इस पर काफ़ी क्लास मतलब
काफ़ी टाइम तो इसी पे लग जाएगा, एंड दैट इज़ समथिंग कि जो अभी तक अनक्लियर है काफ़ी हद तक कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू वी मीन बाय स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है, बिकॉज एक तरफ आप उसको ड्यूअल नेचर दे रहे हैं, तो मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, जस्ट हम जो थ्योरी है उस तक ही रहते हैं। हम ये कहते हैं कि जी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके दो स्पिन होंगे, या तो मतलब एक स्पिन अगर एक स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज तो दूसरा स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और उसको आपने वैल्यूज दे दी, स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, एंड इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट इज प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हैज ओनली टू वैल्यूज, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इफ प्लस हाफ इज क्लॉकवाइज देन माइनस हाफ वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, इफ माइनस हाफ इज क्लॉकवाइज देन प्लस हाफ वुड बी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उन दो में से मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, आपने जैसे मैं यहाँ पे ये एड्रेस आपको दे रहा था कि जी एन की वैल्यू है थ्री, इसका मतलब थर्ड शेल का डी सब शेल, डी सब शेल का डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब आपने कहा जी इन दो इसमें तो दो और इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मैंने कहा जी एस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, कि वो इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन क्लॉकवाइज है। तो ये अब आप कंप्लीट एड्रेस, आप लोकेशन पे पहुंच गए इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये एक तरह से आपको एड्रेस बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देखते हैं, ताकि ये बात जरा हमें क्लियर हो जाए कि ये हम क्या कहना चाह रहे थे। एक मिनट बेटा, मैं जरा कुछ क्वेश्चन देख लूं। ठीक है जी, सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा अब देखें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट अलाउएबल एंड व्हाई। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है यहां पे, क्योंकि इसके एमसीक्यूज आपको काफी मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, इस क्वांटम नंबर्स में से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो अब लेट्स से हम कहते हैं कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट अलाउएबल। एंड वाई, ठीक है, पहला मैं देता हूं कि जी पहला सेट है क्वांटम नंबर्स का, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ जी। तो क्या ये क्वांटम नंबर्स का सेट अलाउएबल है या नहीं, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है जी। n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, इफ इट इज इट अलाउएबल, नो। रीजन क्या है, जी अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो हमें मालूम है कि l इज n माइनस 1, तो इफ l इज इक्वल्स टू 2 तो l कभी भी 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एड्रेस यहां पे आके गलत हो गया, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में डी सब शेल होता ही नहीं है, एल का मतलब कि आप डी सब शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल में डी सब शेल होता ही नहीं है, तो इफ एल एन इज इक्वल्स टू 2 देन एल इज इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, सेकंड है एन इज इक्वल्स टू 3, एल इज इक्वल्स टू 1, एम इज इक्वल्स टू 0 एंड एस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब मैं चाहूंगा ये आंसर कुछ और दूसरे बच्चे भी आंसर करें, एन इज इक्वल्स टू 3, एल इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी, ये अलाउएबल है? देख लें इसको एक दफा अच्छी तरह से, देख लें, टाइम देता हूं, सबका आंसर चाहिए मुझे इस पे। जी अब आपने देख लिया होगा आई होप सबने, मोइस कह रहा है कि बिल्कुल अलाउएबल है, रमेश नो, आयशा नो, डैनी नो जी। बेटा और बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है,
नो। अच्छा, जो नो कह रहे हैं उनका रीजन क्या है? नो वालों का रीजन मुझे बता दें, नो वालों का रीजन क्या है? एल इज टू। अच्छा देखें, इफ एन इज इक्वल्स टू थ्री, अगर एन थ्री है तो क्या एल वन नहीं हो सकता? थर्ड शेल में पी सब शेल नहीं होता क्या? हमने क्या कहा है कि एन की वैल्यूज जो हैं वो 0 to n-1 है, ये जहन में रखें, 0 to n-1। तो अगर एन थ्री है तो एल कुड बी 0, एल कुड बी 1, एल कुड बी 2, ठीक है? तो अगर एन थ्री है तो एल बिल्कुल 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी सब शेल को। तो अगर थर्ड शेल में पी सब शेल नहीं होता क्या? 3p नहीं होता? जी, बात समझ में आ रही है आपको? थर्ड शेल में 3s भी होता है, थर्ड शेल में 3p भी होता है। तो अगर n की वैल्यू, इफ n इज इक्वल्स टू 3 देन l इज इक्वल्स टू 1 इज अलाउेबल, ठीक है? अगर n 3 होता और मैं कहता l भी 3 है या l 4 है, दैट इज नॉट अलाउेबल। l की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, l की वैल्यू n के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है? तो अगर n इज इक्वल्स टू 3 है, दैट मीन्स l इज इक्वल्स टू 1 इज अलाउेबल। और फर्स्ट अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यूज क्या होंगी? -1, 0, +1, तो 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है? मतलब पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है, एंड देन S इज इक्वल्स टू -1/2, तो दैट इज अलाउेबल। ये करेक्ट है जी, समझ में आ गई है बेटा बात सबको? ठीक है जी। अच्छा, एक और सॉल्व करते हैं इसका। चलो ये मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। इफ एन इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 1, M इज इक्वल्स टू +1/2, +1, एंड S इज इक्वल्स टू +1/2। जी, इसको देख लें एक दफा, इज इट अलाउेबल और नॉट? नो, नो। रीजन, L एंड N आर सेम। जी, अगर N की वैल्यू 1 है तो L 1 नहीं हो सकता, ठीक है? ये गलत है। अच्छा, एक आखिरी करते हैं। N इज इक्वल्स टू 2, L इज इक्वल्स टू 0, M इज इक्वल्स टू -1, S इज इक्वल्स टू 0। जी, नो, रीजन एस इज रॉन्ग, ठीक है जी? एस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इट वुड बी आइदर +1/2 और -1/2। अच्छा चले, ये लास्ट है। एन इज इक्वल्स टू 3, एल इज इक्वल्स टू 2, एम इज इक्वल्स टू +2, एंड एस इज इक्वल्स टू -1/2। चले जल्दी से बता दें, क्या ये सही है या गलत है? n is equals to 2, n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to +2, s is equals to -1/2। करेक्ट है, सही है, ठीक है जी, सही है जी। थर्ड शेल का l is equals to 2 means s p d d सब शेल, थर्ड शेल का d सब शेल 3d बिल्कुल अलाउ है, और +2 ये भी ठीक है, ऑर्बिटल, और -1/2 ये भी ठीक है, ठीक है? तो आई होप ये क्वांटम नंबर सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके MCQs में सेंड करूंगा क्वांटम नंबर्स के, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद ये क्लियर है बेटा यहाँ तक बात सबको, क्वांटम नंबर्स, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मेरा ख्याल में डिस्कस करने की ज़रूरत है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो सबको आती होगी, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो सबको क्लियर होगी, ठीक है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स लिख देता हूँ, ठीक है? जिस रूल में आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? तो रूल्स ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल्स, ठीक है? क्योंकि ए लेवल्स वालों ने मोस्टली ये नाम से रूल नहीं पढ़े होते, इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ रूल्स के। मतलब ये मुझे मालूम है कि कॉन्फ़िगरेशन दोनों जगह पे एक जैसी है, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा। ए लेवल वालों ने वो काम नहीं करना, ठीक है? बाकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन आप FSC लेवल में पढ़ते हैं वही सेम कॉन्फ़िगरेशन ए लेवल्स में भी है,
ठीक है, तो जस्ट कुछ रूल्स हैं जिनको आपने नाम से याद रखना है। सबसे पहला रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और सेकंड रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। थर्ड रूल है एन प्लस एल रूल। और फोर्थ रूल है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। जी, तो पहला रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम। ठीक है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ध्यान में रख लें कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, काफी एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी किसी भी एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हों। कहीं एक ना एक जगह पे आके तो डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एस भी सेम है, एन भी सेम है, एल भी सेम है, एम भी सेम है, बट एस पे आकर डिफरेंस आ जाएगा। अगर एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। तो किसी भी एटम के अंदर कोई दो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम। कहीं ना कहीं पे आकर डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसके मैं कुछ एमसीक्यूज आपको सेंड करूंगा। मेरे ख्याल में ये कोई इतना मुश्किल रूल नहीं है। जब अगर आपको क्वांटम नंबर समझ में आ गए तो ये आपको खुद ब खुद क्लियर हो गया होगा। अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो भी आपके जहन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, बिकॉज ये हर इलेक्ट्रॉन की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं पे तो आकर डिफरेंस आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है दैट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो गिवन बाय पॉलीज। ठीक है, ये भी मतलब पॉलीज का ही प्रिंसिपल था। एंड ऑफ बाउ बेसिकली ये जर्मन वर्ड है, मीन्स टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप। ठीक है, एंड ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, नाम से आपने नहीं पढ़ा, बट वैसे आपको मालूम है कि वेन वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स वी मस्ट फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यानी जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग लेवल में, सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। तो ये तो सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के ऑर्डर में फिल होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ बाउ प्रिंसिपल। यानी आप 1s, ऐसा नहीं कि आपने पहले 2s फिल कर दिया फिर 1s फिल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। n प्लस l रूल। जी, कोई बताएगा व्हाट इज n प्लस l रूल? चार्ट से भी कर सकते हैं। हाँ, तो चार्ट भी बेसिकली इन्हीं रूल्स को देख के बनाया गया बेटा। चार्ट तो हम अपनी आसानी के लिए बना लेते हैं, बट बेसिकली चार्ट इज फॉलोइंग दिस ऑल दीज रूल्स। जी बेटा, n प्लस l रूल कोई बता सके मुझे? व्हाट इज n प्लस l रूल? कोई नहीं बताना चाह रहा? n प्लस l रूल बेसिकली क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, ये बेसिकली ऑफ बाउ रूल का ही आप कह लें कि तरह से इसकी एक नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि n प्लस l रूल सिंपली ये कहता है कि वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स द ऑर्बिटल विद द इलेक्ट्रॉन विद द लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l विल बी फिल्ड फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन
with the lower value of n plus l will be filled first. यानी हमेशा आप उस इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करेंगे जिसकी n प्लस l वैल्यू कम होगी. याद होगा आपको अक्सर हमारे पास एक कन्फ्यूजन आ जाती थी कि जी 3d को पहले फिल करना है या 4s को पहले फिल करना है. किसको पहले फिल करते हैं, 3d को पहले फिल करते हैं या 4s को पहले फिल करते हैं? जी बेटा, विच ऑफ द ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट? 4s इज फिल्ड फर्स्ट. ठीक है, एंड द रीजन इज n प्लस l वैल्यू. अगर आप 3d की n प्लस l वैल्यू निकालते हैं, चले बताएं जल्दी से, व्हाट इज द n प्लस l वैल्यू ऑफ 3d? n प्लस l वैल्यू ऑफ 3d, 3d की n प्लस l वैल्यू क्या है? और 6 नहीं है बेटा, 6 नहीं है. n प्लस l वैल्यू ऑफ 3d एंड n प्लस l वैल्यू ऑफ 4s. शायन क्या लिखा है तुमने, कुछ समझ नहीं आ रहा. और 4s की क्या है? 4s की 4. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे n प्लस l वैल्यू निकालूं 3d की, तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n को. तो मतलब n की वैल्यू है 3 और d क्या होता है? 0, 1, 2, 3. तो d है 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5. ये वैल्यूज याद रखें, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2. ऐसे यहां पे अगर निकालें तो n की वैल्यू क्या है? 4, और s की वैल्यू 0, तो दैट इज 4. तो मतलब किसकी n प्लस l वैल्यू कम है? 4s की. तो दिस विल बी फिल्ड फर्स्ट, पहले आप इसको फिल करेंगे. अच्छा, अगर n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए, अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस l वैल्यू सेम हो, तो फिर क्या पहले किसको फिल करेंगे? इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस l वैल्यू, शेल. क्या मतलब शेल? शेल जो पहले हो. अच्छा जी, और इसके अलावा विच हैज स्मॉलर n. जी बिल्कुल ठीक है, शायान भी सही कह रहे हैं, बट उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया. तो जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है, अगर n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम n प्लस l वैल्यू, देन द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट. ठीक है, ये रूल ध्यान में रख लीजिएगा, मैं इसको लिख नहीं रहा, वैसे बस बता दिया आपको कि इफ द n प्लस l वैल्यू इज सेम. चले लिख देता हूँ, इफ n प्लस l इज सेम, देन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू of n will be filled first. Filled first. ठीक है, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी, आप पहले उसको फिल करेंगे. और लास्ट रूल है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी. ये तो ए लेवल्स में भी पढ़ते हैं नाम से, और सिंध बोर्ड में भी, तो ये तो आप मुझे बताएंगे. जी बेटा, हुंड्स रूल क्या है? आप माइक पे ही बता सकते हैं अगर लिखने में टाइम ज्यादा लगे. डैनी, आदिल, कोई नहीं बताएगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा हर ऑर्बिटल में. सही, तकरीबन बात सही है. हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या है कि बेसिकली जब हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, व्हेन वी फिल, यानी हम बात कर रहे हैं हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी की, कि व्हाइल फिलिंग डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, और डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? विच हैव सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, सिर्फ स्पेस में ओरिएंटेशंस डिफरेंट हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डी जनरेटेड. तो वाइल फिलिंग डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट बी फिल्ड सिंगली. इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट बी फिल्ड सिंगली.
ठीक है, ये रूल अब सबको याद आ गया होगा कि जब आप पी एक्स पी वाई पी जेड को फिल कर रहे हैं तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया, लेट से ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पी एक्स में, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा बल्कि पी वाई में, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखें कि दोनों का स्पिन भी सेम होगा, विद सेम स्पिन, सेम स्पिन। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हंट्स रूल कि आप ये नहीं कि इसको अपोजिट स्पिन में ड्रॉ करें, ठीक है। ये जो अप डाउन एरोज हैं ये स्पिन को शो करते हैं, दिस शोज क्लॉक वाइज, दिस शोज एंटी क्लॉक वाइज। तो पी एक्स से पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन, देन पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन, देन पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन, अब तीनों में आ गए एक इलेक्ट्रॉन, अब डबलिंग स्टार्ट होगी एंड देन ऑपोजिट स्पिन पी, ये इस तरह से। तो पहले आपने सिंगल फिलिंग करी, देन डबलिंग विल टेक प्लेस, ठीक है जी। तो दैट इज हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो इनको मैंने ज़रा जल्दी जल्दी रूल्स को डिस्कस किया है बिकॉज आई थिंक ये सबको क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये चार रूल्स जहन में रखें, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल एंड हंट्स रूल। और कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा ख्याल है सबको क्लियर होगी कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो कॉन्फ़िगरेशन में तो मुझे बता दीजिएगा। हाफ फिल्ड वाला रूल नहीं है, क्या मतलब समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो आप सर? जो मतलब हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो वाला रूल? हाँ नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा, वो बाद में बात करेंगे। ये आपने जो मेजर फोर रूल्स यही हैं, ठीक है ना, आपने ये जहन में रखे हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला उसको कॉपर वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिस्कस कर लूँगा, बट इसको आप यहाँ तक जहन में रखें जी। बेटा इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, क्लियर है सब कुछ? जी किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, चलें आज इसको अब हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी सेम टाइम पे 8 बजे, ठीक है। अब मैं मतलब पूरा वीक क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो पूरा वीक जो है वो 8 बजे क्लास होगी, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे हो सकता है बीच में एक दिन मैं छुट्टी करूँ, बता दूंगा आपको। मंडे ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन 8 से 9 एक घंटे की क्लास होगी, और थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन हम लंबी क्लास किया करेंगे, जैसे आज हो गई है तकरीबन 9:30 तक, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे मेरी कोई दूसरी क्लास नहीं होती तो हम ज़रा लंबी क्लास कर सकते हैं। टाइम सेम है बेटा, 8 बजे ही है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। तो कोशिश करें मंडे ट्यूसडे को आप बिल्कुल टाइम पे लॉग इन करें, क्योंकि उसमें टाइम हमारे पास कम होगा क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा 1 घंटे की क्लास हमारी हो जाए, ठीक है। तो अब कोई छुट्टी नहीं है बीच में वीक में, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम इसको जल्दी कवर करें, ठीक है, और प्लस डिटेल में भी पढ़ें। तो अगर जल्दी कवर करना है, डिटेल में भी पढ़ना है, तो फिर पूरा वीक हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं आपको सेंड करूँगा इंशाल्लाह ताला, आज सेंड कर दूँगा कुछ और एमसीक्यूज़। वो लास्ट टाइम वाले एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए बेटा आप लोगों ने? वो पढ़ लिए हैं सबने जी, ठीक है। तो वो जो पीडीएफ फाइल आपको भेजी थी 50 एमसीक्यूज़ की, वो देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट, आज या कल भेजूंगा। अब इस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक रह गया है हमारा, तो वो हम इंशाल्लाह मंडे को कंप्लीट कर लेंगे, तो मंडे को हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह ताला मंडे को क्लास करेंगे, अल्लाह हाफिज़।